हाय हेलो नमस्कार। कुछ ही समय रह गया दोस्तों कि आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ का रिजर्व लिस्ट भी आउट होगा और उसके अगले दिन आईपीएस क्लर्क और पीओ का फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट भी आउट होगा। बस कुछ ही दिन रह गया दोस्तों दोस्तों लेकिन एक सवाल जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसके बाद ना एक बहुत एक जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत एक आप बता सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद कोई डिस्कशन नहीं किया हो, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि मेरे को किसी ने व्हाट्सएप करा था। दोस्तों मैं आप सबको उनका क्वेश्चन में बता देता हूँ। उनका सवाल ये था कि आज जैसे 27 से 28 तारीख हो चुका है, ठीक है, अभी अगर कोई बैंक वैकेंसीज इन्फॉर्म कर देती है आईबीपीएस को तो क्या आईबीपीएस में जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा सा और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं? बिकॉज आपको पता होना चाहिए दोस्तों रिजल्ट आने में बस कुछ ही समय की बात है, बस कुछ ही टाइम की बात है। यानी मान के चलिए कि कल 29 है, कल अगर कोई बैंक रिपोर्ट कर देता है वैकेंसीज तो फिर फर्स्ट को आपको फाइनल सिलेक्शन आने वाला है, तो क्या उसका इम्पैक्ट यानी कल का जो इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ अप्रैल में काउंट होता है? देखिए इसका कोई सटीक आंसर नहीं दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा फीलिंग मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है आईबीपीएस ने फर्स्ट ऑफ अप्रैल ही क्यों चुना? व्हाई डिड आईबीपीएस चूज फर्स्ट ऑफ अप्रैल एज द डेट फॉर अनाउंसिंग द फाइनल सिलेक्शन? आपको क्यों लगता है? मेरे को ये फील होता है दोस्तों कि ये कैलेंडर ईयर है और बाकी जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो कैलेंडर ईयर तक उनको समझ में आ जाता है कि हम अगले साल कितने वैकेंसीज हम रिपोर्ट करना चाहते हैं या हम कितने वैकेंसीज फिलअप कराना चाहते हैं, तो ये बैंक कैलेंडर ईयर से ठीक पहले समझ जाता है। और दोस्तों जो वैकेंसीज जब आउट होता है ना, आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आउट होता है उस टाइम पे वो एक आप बता सकते हैं कि वो एक बस दैट इज समथिंग लाइक कि फाइनल वैकेंसीज नहीं है, लेकिन समय आते 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 वो लगभग सिनारियो पता चल जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वर्स्ट के सिनारियो में कि वैकेंसीज डाउन की जा सकती है और बेस्ट के सिनारियो में वैकेंसीज और बढ़ते जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न दोस्तों, अगर मान के चलिए कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है और कल भी अगर कोई बैंक रिपोर्ट कर देती है, मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बैंक्स को अपना रिक्वायरमेंट क्या है वो आईबीपीएस को बता देती है, आईबीपीएस उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा देती है, दैट्स इट। रिजल्ट इम्पैक्ट कैसे होता है, उनको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ेगी आईबीपीएस को, जितना कट ऑफ है वो अपना कैलकुलेशन आराम से बना सकते हैं और एक लिस्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, वेरी एक्साइटेड, नर्वस भी होंगे काफ़ी लोग। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। काफ़ी कम समय रह गया है, आप देखिए आप जितना सोचोगे पैनिक अटैक आएगा, ठीक है, नेगेटिविटी चीज़ें फैलती रहेगी। और ये यही टाइम है जिस टाइम पे हमको याद आता है कि हमने किस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है और किस क्वेश्चन को हमने गलत कर दिया है, तो वो नेगेटिविटी आ जाता है और हम अपने माइंड को ही ऐसा बिठा देते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, जो सोचते हो वही होता है, ठीक है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ ही समय की बात है, इतना आपने इंतज़ार कर दिया है और 2-3 दिन ही सही इंतज़ार कर दीजिए। और फर्स्ट ऑफ अप्रैल को मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा और आप सभी से बातें भी करूँगा, लेकिन कल वाला जो वीडियो था उसको भी देखिएगा, ठीक है। मैंने एक टाइमिंग के बारे में बताया है कि ये टाइमिंग में आपका रिजल्ट आउट हो सकता है, तो उससे पहले कुछ नहीं होना है, ठीक है, उससे पहले आप एंजॉय करिए और आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों एक और चीज़ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर ये सिलेक्शन हो गया तो फिर हम पढ़ाई ख़त्म कर देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारा सिलेक्शन आगे और बढ़ती जानी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों गाइडली ने अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स लॉन्च कर रखा है। 2022 वाज ए ग्रेट सक्सेस, 2023 अब एक ग्रेट सक्सेस बन चुका है, फर्स्ट हाफ में है यानी मार्च तक की बात करें क्योंकि काफ़ी सब्सक्रिप्शन उनका रहा है। तो उसमें क्या है ना, आपको हर एक एग्ज़ाम का टारगेट वाइज आपको दिया जाता है क्वेश्चंस, और मजे की बात यह है कि सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की दरकार नहीं है, आपके मेंटर आपके साथ हमेशा रहते हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। SFY12 मेरा कूपन कोड है, लिंक और कूपन कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने शेयर को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों।